This is such a beautiful apartment. Once we go down, the location, the largest park of Vasant Vihar in front, and the nicest construction in this size. This is like a 300 size, not a 400. Vasant Vihar mein ye size dhoondne bade mushkil hai, kyunki yahan 250 hote hain, phir seedha 400 hote hain. Ye 300 ka jo sweet spot hai, wo isi mein hai, aur saath mein ye park facing bhi hai. Such a nice view, such a good park in the front. This is the actual drawing dining. ये 300 गज के साइज में आपको 400 गज का साइज मिलेगा. वो बिल्डर ने कैसे किया है, उसके आर्किटेक्ट ने कैसे किया है, वो उसका मैजिक है. अब जो चीज जिससे मैं सबसे ज्यादा फैसिनेटेड रहता हूँ वो है डोर. और ये ना 3D में कटा हुआ है इसका जो भी है. वेरी ब्यूटीफुल मोल्डिंग्स ऑन द वॉल. यू नो यहाँ पे पेंटिंग्स आएंगी, एक स्क्रीन आएगी, वहां पे सोफाज आएंगे. यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल. तो बाहर से जो बिल्डिंग की लुक है वो भी बड़ी अच्छी बनाई है इन्होंने. So if you want to buy this property, आपको मुझे कॉल करना है. Welcome to the most exciting property in Vasant Vihar, facing a huge park, third floor with terrace garden. Third floor with terrace gardens are rare. They are as rare as a dinosaur in real estate industry, you know. But such a nice place. अभी थोड़ा बहुत काम चल रहा है तो it's like 95% ready. थोड़ा बहुत terrace पे काम कर रहे हैं. Just ignore that. You know I'm always in a hurry कि जल्दी जल्दी करते हैं. पता नहीं तब तक बिक जाएगा क्या होगा, हमने बेचना भी है ना. सो ब्यूटीफुल बार राइट इन फ्रंट ऑफ द टेरेस. दिस इज आर्टिफिशियल ग्रास. यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा इन्होंने ये परगोला टाइप बनाया है जिसके अंदर टाइल्स थोड़ी कलरफुल सी डिजाइन वाली डाल दी हैं. साइड में सारे प्लांटर्स दिए हुए हैं, कुछ छोटा सा बैठने के लिए बेंच भी बना दिया बीच में. एंड लाइक द एंटायर टेरेस इज थीम्ड इन ग्रे. ग्रे का एक फायदा है कि भाई अब वो गंदी वंदी भी होती ज़्यादा दिखता नहीं. अभी तो बहुत डस्ट है क्योंकि काम चल रहा है. But this is such a beautiful apartment. Once we go down, the location, the largest park of Vasant Vihar in front, and the nicest construction in this size. This is like a 300 size, not a 400. Vasant Vihar mein ye size dhoondne bade mushkil hain kyunki yahan 250 hote hain, phir seedha 400 hote hain. Ye 300 ka jo sweet spot hai, wo isi mein hai aur saath mein ye park facing bhi hai. Niche dekhte hain. Such a nice view, such a good park in the front. It's like total privacy also. Balcony mein baitho, nobody is looking into you. You know, and such a large balcony in the front. और इन्होंने जो फसाड भी बनाई है ना वो बड़ी ग्रे कलर की ऐसे करके बनाई है. Such a sunny day, it's hard to open my eyes, but just imagine in the winters which are just approaching, आप ड्राॅइंग रूम में बैठे पूरी अंदर तक धूप जाती है. या आप अगर बैल्कनी में भी हो, there is so much of sun. Just take a look. Now, this is the actual drawing dining. ये 300 गज के साइज में आपको 400 गज का साइज मिलेगा. वो बिल्डर ने कैसे किया है, उसके आर्किटेक्ट ने कैसे किया है, वो उसका मैजिक है. हेयर दे हैव यूज्ड वेरी वेरी नाइस प्लेन मोल्डिंग्स. बहुत ज़्यादा कलर से साथ उन्होंने कुछ खिलवाड़ नहीं किया. बहुत न्यूट्रल से कलर्स यूज किए हैं. दूसरी साइड को AC के आपके डक्ट्स हैं, उधर भी हैं. तो क्योंकि अब दोनों तरफ से आपके डक्ट्स वगैरह भी ऊपर चले गए, कॉर्नर में चले गए, तो आपके पास सारी वॉल्स हैं अपनी पेंटिंग्स वगैरह लगाने के लिए. यहाँ पे यू कुड हैव अ वेरी नाइस डाइनिंग टेबल. यहाँ पे यू कैन हैव सम कैबिनेट, सम कंसोल इफ यू वांट. एंड इफ यू टेक अ लुक, आई मीन द कॉरिडोर लुक्स सो गुड. बहुत मिनिमलिस्टिक सी साइड में इन्होंने एंग्रेविंग्स वगैरह जो भी की हुई हैं, विच इज गेटिंग हाईलाइटेड. ठीक है, तो पहले हम फ्रंट वाला बेडरूम देखते हैं जो मेरा फेवरेट बेडरूम है इस घर के अंदर. इसका रीजन ये है कि ये बेडरूम ना पार्क फेसिंग है. तो इस बेडरूम में यहाँ से लेकर सारे एंड तक वार्डरोब्स हैं और बीच में कुछ एरिया इन्होंने खुला छोड़ दिया. तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन आ जाएगी और दिस कैन बिकम मोर स्टोरेज. एंड इफ यू वांट टू ऐड यू कैन, बट दिस एज इट इज लुकिंग वेरी नाइस. नीचे भी स्टोरेज है, यू नो. और देखो ये तो एक चीज है, ये तो कंस्ट्रक्शन की बात होगी. अगेन लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर. सेम बैल्कनी जहां पे अभी हम थे 2 मिनट पहले. This looks so nice. तो जो भी इस बेडरूम में है फैमिली में उसके लिए this is the nicest view and just lovely. पार्क के साथ होने से ये भी रहता है कि पार्किंग भी आपको और मिल जाती है, which is very nice.
Now on this wall, they've used this wooden planks piche banake. These are painted in the same color as the wardrobe, so it gives a very nice feel. Again, ab agar ye koi blue, purple, yellow, black aise ho jate to shayad bahut kharab lagte, par ye color isse bahut zyada matching hai. So aram se uske andar gel kar gaya wo. All right. Air conditioning, again the vents are there, so there is no splits or even जो आजकल ट्रेंड में है जो कैसेट एसीज लगाते हैं वो भी नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर डक्टिंग की हुई है, विच इज वेरी नाइस. बाथरूम में देर आर वेरी गुड फिटिंग्स एंड आई लव द कलर दे हैव यूज्ड ऑन द वॉल्स है, क्योंकि ये लाइट है, जिस थीम में से हम निकल के आए हैं उससे थोड़ा मैचिंग है, और इट्स नॉट लाइक कोई बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इसके वो नहीं निकल के आ रहे हैं रेशे जो होते हैं. And then there is this mirror. It's a illuminated mirror. I don't know, maybe it's off or whatever. But ठीक है, अभी apartment पूरा ready भी नहीं है, तो it's okay. And then we have this shower area, which is large enough. इसको अगर हम बंद कर दें ऐसे, you know, this is large enough. ग्रोहे की fittings हैं, कोलर की seat है, all the fittings are very very good. The door colors are like very neutral again. वो wooden usual जो look होती है, वैसे ही किया हुआ. Not too light or not too dark, you know. False ceiling is very simple, पर तीन stages में है तो उससे थोड़ी height ज़्यादा दिखती भी है. This is built on the new height, which is recently sanctioned. So this is the maximum height you can have in any building. All right. अब ये सबसे छोटा कमरा है इस घर का, ठीक है. So इसको आप अपना home office बना सकते हो. It can be a kids bedroom or if somebody single, उनके लिए रख सकते हो, जैसे भी आपको suit करे. इसके साथ जो bathroom है वो हम बाहर से देख लेते हैं. तो इसके साथ जो बाथरूम है ये एक्चुअली बाहर से भी खुलता है, तो इन्होंने 4 बाथरूम्स तो बनाए हैं पर 5th पाउडर रूम नहीं बनाया. उसका रीज़न है कि भाई इसका ये जो बाथरूम है ये कॉमन हो जाएगा अगर गेस्ट आते हैं, तो इसमें ये थिंकिंग है यार कितने गेस्ट आते हैं, ये तो वैसे ही गेस्ट बेडरूम है, उस हिसाब से कर लेंगे. आई अगेन आई लव द कलर्स दे हैव यूज्ड, वेरी लाइट यू नो एंड वेरी न्यूट्रल यूनिवर्सल काइंड ऑफ कलर. दीज आर अगेन ग्रोहे की फिटिंग्स लगी हुई हैं. Big enough for a guest room, I would say this is big enough. चलो अब हम चलते हैं वापस ड्राइंग रूम में. आ गए हम यहाँ से, तो ये ड्राइंग डाइनिंग है. सामने इस साइड को 2 बेडरूम्स आ गए है ना, वो हमने देख लिए. अब हम पीछे की तरफ चल रहे हैं जो थोड़ा सा आपका और प्राइवेट एरिया हो जाएगा फैमिली के लिए, वहाँ पे भी 2 बेडरूम्स आ जाएंगे. बट बिफोर दैट आई वांट टू शो यू द किचन. किचन अगेन देव यूज स्लाइटली डार्कर टोन एट द बॉटम. यहाँ पे वाइट स्लैब्स हैं और ऊपर भी थोड़ा वाइट ऑफ वाइट टाइप की शेल्स बनाई हैं. ऑल वेरी नाइसली फिटेड, वेरी गुड फिनिशेज, सॉफ्ट क्लोज फिटिंग्स. यहाँ पे बॉश का माइक्रोवेव ओवन फिटेड है ऑलरेडी. ये जो अपनी हॉब और चिमनी एवरीथिंग इज फिटेड सेम बॉश ब्रांड. तो कलर वाइज ये भी बड़ा अच्छा है. इसको पूरा वाइट भी कर सकते थे, जैसे इसको भी वाइट कर सकते थे या इसको ग्रे भी कर सकते थे, बट आजकल काफ़ी लोग कर रहे हैं, सो आई थिंक दे वॉन्टेड टू नाउ अगेन कम बैक टू समथिंग एल्स विच इज नाइसर. आई लाइक दिस बेटर देन ग्रे एंड वाइट. ये कॉम्बिनेशन मेरे को ऐसा लगता था कि शायद ग्रे और वाइट ही बेस्ट है, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था, पर इसको भी मैं अभी देख रहा हूँ तो ऐसे लग रहा है कि ये शायद ज़्यादा अच्छा है. एनी वेज इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग है, तो यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ. देर इज द स्पेस फॉर द रेफ्रिजरेटर देयर. ऑल राइट. अब जो चीज़ जिससे मैं सबसे ज़्यादा फैसिनेटेड रहता हूँ वो है डोर. दिस एंट्रेंस डोर इज बिग, नॉट टू बिग ऑल्सो बट बिग इनफ. और ये ना 3D में कटा हुआ है इसका जो भी है. हमने इनकी इसी बिल्डर की गुलमोहर पार्क की प्रॉपर्टी कवर की थी, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही था. थोड़ा सा स्लाइट चेंज ऑफ टोन है यहाँ पे, कलर थोड़ा सा डिफरेंट है उसका. येल का लॉक है, इलेक्ट्रॉनिक है, थंब से भी चलता है, कोड से भी चलता है. एंड इफ यू लुक एट दी विड्थ ऑफ दी door is also good, so big enough door. Okay, so now we're going to cover 2 more bedrooms. This bedroom then again has a lot of storage, and isme inhone thodi si light wooden theme use kiya hai puri ki puri wall pe, aur andar thoda sa jaise inhone ye bana diya. Some people can find it a little loud or some people can find it very nice. Isko hataya bhi ja sakta hai agar if you find it very loud. Iski tone bhi aap change kar sakte ho if you want, but it's looking very nice because this entire wall is then just wardrobes. Iske andar puri wardrobes hai, to is pure bedroom ki jo theme hai
इसमें तीन वॉल्स इसी कलर की हैं, जैसे वॉली भी आप देखोगे वहां पे, सो दैट इज ऑल्सो सेम कलर. अगेन दिस इज ऑल सेंट्रलाइज्ड एसी, ऊपर डक्टिंग वगैरह करके है ना, एंड दे हैव यूज्ड मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज का वो यूज किया हुआ है. दैट्स ऑल वेरी गुड. या सिमिलरली दैट वार्डरोब. ओके, एंड दिस बाथरूम इज लाइक यू कुड कॉल इट दिस द मास्टर बेडरूम एक्चुअली. दिस इज लाइक द नाइसेस्ट बाथरूम यू विल सी इन अ साइज ऑफ अराउंड 300 स्क्वायर यार्ड्स. दे हैव यूज्ड डबल द बेसिन्स, यू नो, इल्यूमिनेटेड मिरर्स वगैरह हैं. हाँ, दिस वन इज वर्किंग, डिफरेंट लाइट सेटिंग्स. दिस इज ऑल वेरी यूजुअल नाउ, बट इन 300 हैविंग टू बेसिन्स इज नॉट वेरी यूजुअल. तो इन्होंने कुछ एरिया जैसे बचा लिया, जैसे इन्होंने वो नहीं बनाया अपना पाउडर रूम नहीं बनाया, तो कुछ यहाँ बाथरूम को ये बड़ा कर सके, कुछ वार्डरोब्स बढ़ा सके अलग अलग बेडरूम्स में. अगेन नाउ दिस वन इफ यू सी हैज मल्टीपल शावर्स, 1, 2, 3, 4, 5 ऊपर तो ऑफकोर्स बहुत बड़ा है. देयर इज अ हैंड शावर ऑल्सो, एंड द फिनिश ऑफ द स्टोन इज लाइक ग्रेइश, वेरी गुड, वेरी लाइट. अगेन इट्स वेरी लाइट, इट्स वेरी गुड. बिल्डर ने ठीक दिमाग लगाया अगर इसको डार्क ना करके. और उस तरफ अगर हम देखें तो वहाँ पे एक जकूजी भी फिटेड है, ठीक है. सो दिस बाथरूम हैज टू बेसिन्स इंस्टेड ऑफ वन, इट हैज अ जकूजी ऑल्सो, एंड इट हैज ऑफ कोर्स शावर एरिया, चलो सब में होता ही है. ब्रोहे वगैरह की फिटिंग्स हैं, नथिंग टू कंप्लेन. एंड आई थिंक वेरी वेरी नाइस लुकिंग स्टोन, वेरी वेरी नाइसली फिनिश्ड. कोई ऐसे कॉर्नर्स नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा हो, और होगा भी तो थोड़ा मोटा वो करेंगे क्योंकि अभी तो काम चल ही रहा है. दिस इज नॉट अ फुली कंप्लीट अपार्टमेंट, ये बिक जाएगा थोड़े दिनों में, लेकिन ना द काइंड ऑफ प्रॉपर्टी दिस इज, वसंत विहार में ये साइज मिलता ही नहीं है. पीछे वैसे एक छोटी सी बैल्कनी भी है, यू कैन पुट सम प्लांट्स देयर एंड ब्लॉक द व्यू ऑफ द हाउसेज एट द बैक. पीछे बहुत गंदा व्यू नहीं है, बट फिर भी यू नो इट इज वर्थ वाइल टू डू दैट. एंड देन हम चलते हैं फोर्थ बेडरूम में. ये है फोर्थ बेडरूम, और इसके अंदर इन्होंने ग्लास की वार्डरोब्स दी हैं. बेड थोड़ा ऐसे आ जाएगा बीच में, यू नो, एंड देन यू हैव ऑल द एरिया एम्प्टी देयर. एंड यहाँ पे अगर ये खोलने वाला देते तो थोड़ी मुश्किल होती क्योंकि फिर जगह नहीं रह जाती बेड के साथ, बट दिस इज ऑल स्लाइडिंग, सो दिस इज गुड. अच्छा, और मैंने इनको एक बार ये फीडबैक दिया था कि इसको ना ट्रांसपेरेंट ज़्यादा मत रखो, अंदर ना मैस होती है तो वो अच्छा नहीं लगता, मतलब अंदर जैसे कपड़े वपड़े बिखरे होते हैं जो भी. सो वॉट देव नाउ डन इज दे मेड इट, यू नो, थोड़ा सा ब्लैक आउट कर दिया उसको कि ज़्यादा ना दिखे अंदर. ओके, एंड देन वी हैव दिस बाथरूम. अगेन द टोन यूज फॉर द टोन ऑन द वॉल्स इज वेरी नाइस. थोड़ी बहुत तारें दूरें निकल रही हैं, इसका काम अभी होना है, हो जाएगा, बट डोंट वरी अबाउट इट, इट इज स्टिल गोइंग ऑन. अगेन इसके अंदर भी अगर हम देखें, शावर एरिया इज बिग इनफ. ऊपर शावर है, इसमें वो बॉडी शावर्स नहीं है, वो शायद सिर्फ मास्टर बाथरूम में डाले थे. But there is a hand shower, this is Brohe, and things are very clean. तो ये थोड़ा सा आपको लग सकता है कि थोड़ा सा टाइट अपार्टमेंट है क्योंकि साइज थोड़ा छोटा है, पर इस साइज में चार बेडरूम, हर बेडरूम में अपने वार्डरोब्स, हर बाथरूम इतने अच्छे से बना हुआ है, इसको अचीव कर पाना भी बहुत ही अच्छा है. Now I know you are liking the corridor when you see it like this, but you must like the video. एंड मैं सब्सक्राइब टू द चैनल, तो आप लाइक कर लीजिए. अगर आपको लगे कि कोई इसमें और चीज़ें हैं जो मुझे करनी चाहिए, आपको कोई और प्रॉपर्टीज पता है दैट यू वॉन्ट मी टू कवर, लेट मी नो, आई एम वेरी ओपन टू दैट. बट लुक एट द कॉरिडोर, दिस लुक सो नाइस. आप वहाँ से निकले, दरवाजे से आए, और आते ही सामने ये बड़ा सा ड्राइंग डाइनिंग आ जाता है, वेरी ब्यूटिफुल मोल्डिंग्स ऑन द वॉल. यू नो, यहाँ पे पेंटिंग्स आएंगी, एक स्क्रीन आएगी, वहाँ पे सोफाज आएंगे. यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ ब्यूटिफुल this thing is going to look. वहाँ पे वैसे एक chandelier का इन्होंने वो छोड़ा हुआ point, तो जब वो लग जाएगा तो यहाँ की look सारी बदल जाएगी. And once again I want to show you the view again. Take a look. पर view सिर्फ उनके लिए जिन्होंने like कर दिया है और जिन्होंने share किया, उनको तो और भी दिखाएंगे, ठीक है, तो आप कर लेना. अभी तो आपको हमने facade भी दिखानी है building की, but you know I can't get over the view. It's just so nice. जिस थिंकिंग ये तो दिखाना दोबारा बनता ही है. बाहर पार्किंग भी बहुत हो जाती है, अभी तो तीन गाड़ियां हमारी आई हुई हैं नीचे, तो हमने काफ़ी सारी जगह कवर कर रखी है पार्क के सामने, बट
अदरवाइज देयर इज सो मच ऑफ पार्किंग, गेट के अंदर भी है, स्टिल्ट में भी यू गेट कार पार्क, सो इट्स नॉट एन इशू। तो बाहर से जो बिल्डिंग की लुक है वो भी बड़ी अच्छी बनाई है इन्होंने, इट्स ऑल ग्रे एंड सम वाइट, पर ये जो ग्रे है ना ऐसे लगता है जैसे सीमेंटेड हो, लेकिन ये एक्चुअली सीमेंटेड नहीं है, ये टाइल्स हैं जिनकी ये ऐसी लुक है। और ये जो क्रो है ये मेरा नहीं है एक्चुअली, बट जस्ट लेटिंग यू नो। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो आपको शायद थोड़ी लुक समझ आएगी, बहुत ब्राइट सन है तो ऊपर शायद बिल्डिंग पे आपको भी नज़र नहीं आ रहा होगा, बट थोड़ा सा लेट आएंगे जब थोड़ी सी धूप कम होगी तो अच्छा दिखेगा। बट दिस इज़ अ वेरी यूनिक लुक एंड एज यू नो आई एम अ फैन ऑफ यूनिक, सो आई क्वाइट लाइक दैट यू नो। बाहर लाइटिंग वगैरह भी है फसाद के ऊपर, रात को अगर व्यू देखेंगे तो दिखेगा, जैसे अगर हम ये वाली वाइट स्ट्रिप देखें दिस इज एक्चुअली अ लाइट जो रात को हम ऑन कर सकते हैं, ऐसी बिल्डिंग के ऊपर साइड में भी है, सो दैट इज ऑल्सो देयर। फिर हर ऑब्वियसली हर बैल्कनी में तो है ही है। अगेन आई वॉन्ट टू शो यू द लोकेशन, अब जैसे ये इसके सामने की रोड है, बिल्कुल साइलेंट है, ये एक पार्क है, दो तीन घर आगे जाके एक दूसरा पार्क शुरू हो जाता है। इस तरफ को देखें अगर, अब ये वाला व्यू अगर हम देखें तो इस साइड को ये थोड़ा सा आगे तक रोड जाती है और पूरा यहाँ पार्क है, यू कैन ईजिली पार्क योर कार्स आउटसाइड इनसाइड वट एवर। पार्किंग में भी काम वाम चल रहा है तो हम आपको ज़्यादा दिखा नहीं रहे क्योंकि अच्छा नहीं दिखेगा पर सबके अलग अलग बेस वगैरह हैं, बहुत सारी पार्किंग है, पार्किंग की कोई इशू नहीं है। सो इफ़ यू वॉन्ट टू बाय दिस प्रॉपर्टी आपको मुझे कॉल करना है, ये नंबर हमारा दिख रहा है आपको। और अगर कोई और भी आपकी रिक्वायरमेंट है, कोई और भी आप यू लुकिंग फॉर सम प्रॉपर्टी, यू लुकिंग टू सेल समथिंग, और इफ़ यू जस्ट नीड एडवाइस यू नो डोंट फील शाय, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच, आई विल हेल्प यू आउट।